नमस्कार दोस्तों, निफ्टी चैनल पे आप सबका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, जो इस हफ्ते सबसे बड़ी न्यूज़ आनी है वो आनी है सीपीआई डाटा जो कि पिछली बार 8.6% आया था और बहुत बड़ा तूफान आ गया था पूरी वर्ल्ड मार्केट में, और जिसकी वजह से काफी बुरी तरह से मार्केट्स गिरी। इस बार अब फिर से वेंसडे को ये आना है डाटा, सीपीआई डाटा, जो कि अब जो अनुमान लगाया जा रहा है वो है 8.8%। ये देखिए, ये आपके सामने है। और इस बार जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है वो भी बढ़ के आएगा 1.1%। फूड एंड एनर्जी में भी 0.5% की बढ़ोतरी होती दिख रही है। अभी देखिए, ये डाटा नहीं है, सारे एस्टिमेट हैं। और उसके साथ साथ फूड एंड एनर्जी का जो 5.7 तक उसका बढ़ने का में प्लस प्लस 5.7 आने की उम्मीद है। और जो जॉबलेस क्लेम है वो भी 2-3-4 थाउजेंड तक आने की उम्मीद है। मतलब ये है कि जो जॉबलेस क्लेम है वो तो कम होता जा रहा है और महंगाई बढ़ रही है। मतलब ये कि जो फेड कर रहा है और जो चाहता है वो नहीं हो रहा, ये चीज देखने में आई है। अभी जो कल जो जॉब डाटा भी आया वो भी काफी ज्यादा बढ़कर आया, उससे भी ये पता चल रहा है कि अभी भी नौकरियां लोगों को मिल रही है, रिसेशन नहीं आ रहा। और यही वजह है कि डाउ लगातार रन कर रहा है। ये देखिए, डाउ पर लेके जाते हैं, ये देखिए डाउ फ्यूचर, डाउ लगातार दौड़ रहा है। डाउ के दौड़ने की वजह यही है कि जो इकोनॉमी है, बेसिकली इकोनॉमी है, वो अभी भी तरक्की में है, अभी भी उसमें रिसेशन आने की उम्मीद कम है। जो डाउ चाहता है, जो फेड चाहता है, वैसा उसका असर इकोनॉमी पर बिल्कुल नहीं पड़ रहा। और अगर आप देखें कि जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये देखिए 10-ईयर बॉन्ड रेट फिर से ऊपर आ गई 3.08%। मतलब ये महंगाई लगातार उनकी बढ़ रही। अब देखिए, अब अगर हम डाउ फ्यूचर को भी देखें, अब डाउ फ्यूचर पे ये क्या दिख रहा है कि देखिए, मैंने दो लाइंस लगाई थी, आपको जैसे पता ही है, 29637 जो कि इसका बेस है, उसके बाद 30428 30428 जो कि इसकी सपोर्ट है डाउ फ्यूचर की, और ऊपर की ओर जो रेजिस्टेंस बना हुआ है वो बना हुआ 31473। कल रात को भी ये 31473 पे ही गया और वहां पे प्रॉफिट बुकिंग है। और अब मैं आपको बता दूं ये 31473 क्या है, ये है राउंडिंग पैटर्न का रेजिस्टेंस, जो कि मैंने पहले भी आपको दिखाया था कि ये राउंडिंग पैटर्न बना रहा है। उसके बाद ये डबल बॉटम, अब ये डबल बॉटम देखिए, 1 फिर 2। अब डबल बॉटम का क्या मीनिंग होता है ये टेक्निकल एनालिस्ट की दुनिया में? देखिए, डबल बॉटम जब बनता है किसी भी स्टॉक का या इंडेक्स का, उसके बाद जब वो अगर ब्रेकआउट दे दे तो वो ब्रेकआउट काफी स्थायी और लंबा हो। ये आप याद रखना कि जब भी डबल बॉटम बनता है तो ये चाहे स्टॉक हो चाहे इंडेक्स, तो उसकी जो रैली आती है उसके बाद डबल बॉटम, अगर ब्रेकआउट आ गया, अभी तो ब्रेकआउट नहीं आया, अगर आ गया तो ये रैली काफी दूर तक जाएगी। ये एक अक्सर देखा गया है, जो अनुमान है, ऐसा एक सर्वे है जिससे पता चलता है। अब ये जो डबल बॉटम बना है ये खुशी की बात है एक्चुअली, कि डाउ फ्यूचर अब ब्रेकआउट देने के लिए तैयार है, इसका बॉटम बन गया है, ये ऐसा शो हो रहा है। और उसके बाद ये भी एक चीज और बता दूं, ये कई बार ट्रिपल बॉटम भी बनते हैं, तो अभी तो ये डबल बॉटम है, अभी हमने देखना है कि ये ब्रेकआउट देता है या नहीं। देखिए, ब्रेकआउट कंफर्म कब होगा, अगर ये 50 EMA को क्रॉस कर दे, 31852 अगर वो क्रॉस कर दे, उसके साथ 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 में ये भी आ जाते हैं वो ट्रेंड लाइन जो मैंने आपको दिखाई थी, अगर ये क्रॉस कर दी, उसके बाद 50 EMA क्रॉस कर दिया, तो ये काफी तीन चीजों को ये कैश होगी। पर कौन कौन सी? एक तो डबल बॉटम, उसके बाद जो ट्रेंड लाइन है उसको क्रॉस कर देगा, तीसरा 50 EMA, तो उसके बाद एक कंफर्मेशन आ जाएगी कि अब मार्केट दौड़ने के लिए तैयार है। फिर लोग लॉन्ग पोजीशंस लेनी शुरू कर देंगे और फिर काफी बड़ी रैली देखने को मिलेगी। अभी जो वेंसडे को जो डाटा आना है, सीपीआई डाटा 8.8% जो बढ़ के आएगा, अभी ये देखना है कि मार्केट इसको किस तरह से लेता है, क्योंकि वैसे तो इतनी बड़ी गिरावट आ चुकी है, उसके बाद सब कुछ एक्चुअली ये कैश हो चुका है पिछले 2-3 महीने से। आप मेरे मुंह से भी सुनते होंगे क्या क्या चीजें, डॉलर इंडेक्स बढ़ रहा है, सीपी डाटा बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रही है, फेड इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहा है, अब 50, अब 75, ये काफी कुछ हो के अब सभी एक तरह से इरिटेट हो चुके हैं। अब मार्केट इन सब चीजों को साइड वे करके ऊपर जाना चाहती है, क्योंकि जितना सेल होना था हो गया, अब बस अब उतना
इससे ज़्यादा सेल होने वाला कुछ अभी बचा नहीं। अभी जो मार्केट आप देख भी रहे हैं ये टेक्निकली ऊपर आ रही है, ये कोई वैसे नहीं है कि कोई न्यूज़ आ गई या कुछ हो गया, नहीं, ये सिर्फ टेक्निकली। उसमें सबसे ज़्यादा योगदान जो मार्केट के भागने का है वो इंडिया का है। इंडिया ने काफ़ी अच्छा आउट परफॉर्म किया है ऑल ओवर वर्ल्ड में, तो इंडिया की मार्केट ही बाकी मार्केट्स को खींचने में कामयाब रही है। अब इंडिया को चाहिए वर्ल्ड मार्केट की भी सपोर्ट, तभी इंडिया इंडियन मार्केट में भागेगी। अगर वर्ल्ड मार्केट नेगेटिव जानी शुरू होगी तो इंडिया इंडियन मार्केट को भी मजबूरी में गिरना ही पड़ेगा। तो अब जब 8.8 आना है तो मेरी ये एडवाइस है कि जैसे ही ट्यूसडे हो या वेंसडे तो वहां पर आप अपनी पोजीशन कम कर देना। उसका कारण ये है कि वेंसडे को जो यूएस का सीपीआई डाटा तो आना ही आना है, उसके साथ साथ थर्सडे को इंडिया का सीपीआई डाटा भी आएगा। जो इंडिया का सीपीआई डाटा है वो लगभग फ्लैट ही आने वाला लग रहा है, तो इसलिए कॉन्शियस रहिए, फिर देखेंगे कि मार्केट इसे कैसे लगे। अभी जज नहीं किया जा सकता, अगर जज किया जा सकता होता तो मैं आपको जरूर बताता कि अब मार्केट गिरेगी या उठेगी। हाँ, उसका असर तब देखने को मिलेगा कि अब इसे मार्केट कैसे लेती है, आने के बाद आएगा इसका रिएक्शन एक्चुअली। क्योंकि ऐसे तो सपोज करके सभी चल रहे हैं कि महंगाई बढ़ गई है, महंगाई को जितना कैश करना था खूब टूट 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 गई मार्केट, सारी टूट चुकी है। अब तो ये है कि जो बेस है, मतलब कि जितना जो कमजोर हैंड होते हैं, जो वीक हैंड्स होते हैं, उन्होंने तो अपना माल निकाल दिया। अब स्ट्रोंग हैंड्स के पास सारी मार्केट है, अब स्ट्रोंग हैंड तो इतनी जल्दी बेचते नहीं। अब तो फिर से वीक हैंड आने शुरू हो गए हैं, जब वीक हैंड आने शुरू हो जाते हैं तब फिर से मार्केट रन करती है काफ़ी दूर तक। जो स्ट्रोंग हैंड है वो अपने बॉटम पे, बॉटम बनता ही तभी है कि स्ट्रोंग हैंड के पास माल पड़ा है, अब स्ट्रोंग हैंड निकालने को राजी नहीं है, तो इसलिए मार्केट वापस में रिवर्स ऊपर की ओर आई है। तो अब हम आते हैं अपनी मार्केट पर कि अब हमने करना क्या है। तो आइए बैंक निफ्टी पर सबसे पहले चलते हैं। बैंक निफ्टी में ऐसे कौन से लेवल हैं जिनके ऊपर हमें कॉल या जिनके ऊपर हमने पुट मंडे को बाय करनी चाहिए। देखिए, बैंक निफ्टी ने एक बुलिश कैंडल बनाई है और हाँ, आपको रेड नजर आ रही होगी, तो रेड कलर रेड होने से कुछ नहीं होता, पर ये क्योंकि गैप अप ओपनिंग थी, सीधा जाकर ये टारगेट पे ही खुली बैंक निफ्टी, तो यही कारण था कि वहां पे सेलिंग आई, और इसका कोई कारण नहीं था। प्रॉफिट बुकिंग आई है एकदम से, जो इंट्राडे प्रॉफिट बुकिंग होती है जनरल, वही आई है, तो इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। क्योंकि घबराने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि इसने 100 EMA के ऊपर क्लोजिंग दी। अगर 100 EMA के नीचे क्लोजिंग होती तो हम कह देते कि अब इसमें सेलिंग आएगी, अब और डाउनसाइड बैंक निफ्टी अब जाएगी, क्योंकि बैंक निफ्टी ने अपने आप को संभाल लिया 35108 के ऊपर, 35108 जो कि 100 EMA है। तो इससे पता चलता है कि बैंक निफ्टी में अभी भी जान बाकी है। तो अब हम बताते हैं कि अब हमने करना क्या। उससे पहले हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि हमने किया क्या। देखिए, पहले बैंक निफ्टी देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी में आप देखिए कि मार्केट खुली, जहां टारगेट था उसके पास प्रॉफिट बुकिंग आई, डाउन आई। मैंने कहा था आपको कि 34878 के ऊपर बाय करना है, पर वहां से काफी दूर खुली खुली, थोड़ा सा डिप लगा और फिर उसमें बाइंग आई। मतलब नो ट्रेड जोन में बैंक निफ्टी सारा दिन रही, यहाँ पर कोई ट्रेड नहीं बनती थी। आपको याद होगा कि मैंने कहा था कि आपने यहाँ पे जो ग्रीन लाइन है और रेड लाइन है 35164, 35292, क्योंकि यहाँ पर 100 EMA है तो आपने अपना प्रॉफिट बुक कर लेना है। तो 100 EMA के ऊपर ये जो स्ट्रॉन्ग जहाँ पे अपना टारगेट था वही टारगेट पे खुल जाना, उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग आनी, और उसके बाद बैंक निफ्टी में कुछ बचा नहीं था क्योंकि नीचे 100 EMA था, 100 EMA टूट नहीं रहा था कि ऊपर की ओर जो लेवल थे वो अब 35400, 35500 के ऊपर ही ब्रेकआउट आएगा। तो इसलिए मार्केट काफ़ी ठंडी रही, बड़ी ठंडी मार्केट थी जो फ्राइडे की मार्केट थी। और अब हम आते हैं निफ्टी पर। निफ्टी में भी हमने क्या किया, देखिए निफ्टी में भी सारा दिन मैंने कहा था कि 16220 के ऊपर खरीदना, अब 16220 के ऊपर ले तो लिया पर वहां से कोई भी ब्रेकआउट नहीं आया, क्योंकि ऊपर से पहले ही प्रॉफिट बुकिंग आ चुकी थी, ये भी अपने टारगेट पे खुलेगी जो रेड लाइन थी, तो वहां से नीचे आ गई मार्केट। अब यहाँ से कोई भी नया ब्रेकआउट ना आकर जो नीचे मैंने 16175 स्टॉप लॉस दिया था वो हिट हो गया, जिससे हमें लगभग 40 पॉइंट का लॉस हुआ। और उसके बाद ये एंड में क्लोज भी 16220 पर ही एग्जैक्टली जो लेवल मैंने दिया था। तो टेक्निकली अभी मार्केट बिल्कुल ठीक है,
निफ्टी भी अपने 50 EMA के ऊपर क्लोजिंग दी है, जैसे ही 50 EMA के आसपास भी डिप आया, 50 EMA भी इसने ठीक ढंग से नहीं लगाया, वहां से ही रिवर्स आ गया, और वहां से रिवर्स आके ये दिन की जो एवरेज थी मेन एवरेज 16,220 जो कि इंपॉर्टेंट लेवल था जो कि मैंने आपको बताया था, एग्जैक्टली वहीं पर इसका क्लोजिंग देना ये दिखाता है कि अभी इसमें बड़ी स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ है, अभी और ऊपर जाने की गुंजाइश बाकी है। तो ये था हमारा निफ्टी और बैंक निफ्टी का कंप्लीट वो ट्रेड जो हमने आपको कल दी। और जो दर्शक अभी अभी नए आए हैं वो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं, नीचे फ्री टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया उसे जरूर क्लिक करें क्योंकि वहां पर भी हम खूब सारी नॉलेज तो देते ही देते हैं। अब हमने एक और नया सेगमेंट शुरू किया है, अब हम हर रोज आपको वहां पर स्टॉक्स बताया करेंगे जो स्टॉक्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग है चार्ट पर, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा डिमांड आ रही थी कि हमें काफ़ी सारे स्टॉक दिया करो ताकि हमें पता चल सके कि हम किस में ट्रेड कर सकें, और एक आधी ट्रेड भी एक क्या मैंने कई 10-15 ट्रेड अब देनी शुरू कर दी हैं, वो सारे स्टॉक काफ़ी अच्छे हैं और आपने अपने हिसाब से उसमें ट्रेड करना है, वो स्टॉक वो दिया करूँगा जो चार्ट पर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे, टेक्निकल चार्ट पर स्ट्रॉन्ग होने वाले स्टॉक ही हम वहां पे देंगे। इसके साथ साथ ट्विटर पर भी जो सभी कह रहे हैं कि हमें लेवल्स दिया करो निफ्टी और बैंक निफ्टी के रिटर्न फॉर्म में, तो वो हम ट्विटर पर ऑलरेडी दे रहे हैं, तो ट्विटर पर आप उसे देख सकते हैं, ट्विटर का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। इसके अलावा जो मिंट का जो मैं आपको बता रहा था, ये देखिए मिंट की जो पैकेज है अगर आप लेना चाहते हैं, देखिए जो हमारा जो लोगो है ये कूपन है मिंट NB25, मिंट NB25 अगर अप्लाई करेंगे तब आपको काफ़ी सस्ता पड़ेगा ये पैकेज। ये देखिए मैंने अप्लाई किया और ये देखिए 213 वाली चीज़ 160 की होगी, 246 वाली चीज़ 185 की होगी और 300 वाली चीज़ 225 की होगी, मतलब काफ़ी नीचे गिरकर ये रेट गिर जाएंगे। मिंट का फ़ायदा ये है कि आप भी न्यूज़ से लगातार अपडेटेड रहेंगे और आपको पता चलता रहेगा कि अब क्या होना है, क्या होने वाला है ये सारा कुछ। आइए अब हम आते हैं बैंक निफ्टी के लेवल्स पर कि ऐसे कौन से लेवल हैं जिनसे आपको अच्छा बेनिफिट होगा। देखिए बैंक निफ्टी में अब जो नेक्स्ट लेवल निकल के आ रहा है वो है 35,480, 35,480 के ऊपर ही अब बैंक निफ्टी में बाय बनता है, क्योंकि उससे पहले कहीं पर भी आप बाय करेंगे तो वहां से नीचे की ओर मार्केट जा सकती है। कारण ये है कि 35,419 के आसपास क्या है 200 EMA, तो जब तक 200 EMA के ऊपर ना निकल जाए तब तक यहाँ पे रेजिस्टेंस काफी स्ट्रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि 100 EMA और 200 EMA के बीच में जगह काफी कम है, क्योंकि ये 35,300 35,400 ये सारा एरिया काफी रेजिस्टेंस वाला है, तो यहाँ पे आप बिल्कुल भी कोई ट्रेड मत ले। जब तक ये 35,480 के ऊपर ना आ जाए तब तक इसमें कंफर्मेशन नहीं आएगी, जैसे ये 35,480 के ऊपर आएगी बैंक निफ्टी तब हमारे ऊपर के लेवल खुल जाएंगे 36,150 तक, तो 36,150 हमारा फिर अगला लेवल होगा। तो इसका जो स्टॉप लॉस आपने लगाना है वो लगाना है 35,200 का, 35,200 के स्टॉप लॉस के साथ 35,480 के ऊपर आपने 35,300 की कॉल बाय करनी है, 35,300 की CE लेनी है, स्टॉप लॉस 35,200 रहेगा और 35,480 के ऊपर ही आपने कॉल लेनी है। तो आइए ये था ऊपर की ओर कॉल कहाँ लेनी है, अब हम देखते हैं पुट कहाँ लेनी है। देखिए जैसे ही इसने अगर 50 EMA तोड़ दिया तो इसमें एक पैनिक आ जाएगा बैंक निफ्टी में, क्योंकि 50 EMA टूट जाएगा इसका एक बड़ा बहुत बड़ा पैनिक आएगा। फिर आपने क्या करना है 34,500 जैसे ही टूटे आपने बैंक निफ्टी की पुट ले लेनी है, क्योंकि 34,500 के नीचे फिर इसमें सेलिंग हैवी आएगी। क्यों है? क्योंकि 34,500 पिछली कैंडल का हाई था, मतलब हम उसी कैंडल में आ जाएंगे जो पिछले दिन की थी थर्सडे वाली, तो 34,940 के नीचे आपने पुट लेनी है, 34,940 के नीचे पुट लेनी है, आपने जो पुट लेनी है वो लेनी है 35,300 की और स्टॉप लॉस लगाना है आपने 35,160 का, 35,160 का। नीचे की ओर टारगेट जो आपके रहेंगे वो रहेंगे 34,840, 34,695, 34,635 और नीचे आपको मिलेगा 34,430 पे क्या है वो है 50 EMA, तो 50 EMA जैसे ही आए
तो आपने अपना प्रॉफिट बुक कर लेना है पुट में, मतलब 100 MA अगर टूटा तो 50 MA आपको मिलेगा और 50 MA पर स्पॉट दोबारा से मिल जाएगी बैंक निफ्टी को। पर वहां पर कॉल कब लेनी है, तब हम जब हम दोबारा रिकमेंड करेंगे, तब यहाँ पर आने पर कॉल बाय नहीं करनी, फिर हमारी जो कॉल आएगी उसके बाद रिकमेंडेशन आएगी, तो वहीं पर आपने फिर कॉल बाय करनी। तो ये था निफ्टी और बैंक निफ्टी का ट्रेड सेटअप। अब हम आते हैं निफ्टी में कि निफ्टी में हमने क्या करना है। तो उससे पहले हम स्टॉक्स देख लें कि स्टॉक्स में क्या क्या हुआ, क्योंकि सबसे पहले तो एम एंड एम देखिए, ये पहले ही टारगेट पे खुल गया, 1211 मैंने टारगेट दिया था वहां पे खुल गया, तो यहाँ पे कोई ट्रेड बनती नहीं थी, क्योंकि जब पहले ही टारगेट बुक हो जाए, तो मैंने ये कई बार आपको बताया हुआ है कि जब जो रेड लाइन लगाता हूँ मैं, उस रेड लाइन पे अगर कोई स्टॉक खुल रहा है तो उस स्टॉक को बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाना, मतलब उसका ये होता है कि अब तो इसमें प्रॉफिट बुकिंग आएगी। हाँ, अगर रेड लाइन के ऊपर ही निकल जाए तब आपने फिर से इसे बाय करना। दूसरा CUB को हमने बाय किया 143 पे एग्जैक्टली, जहां मैंने ग्रीन लाइन लगाई थी उसने क्लोजिंग दिए 144 पे, तो 1 पॉइंट का इसमें प्रॉफिट। ABB को भी हमने 2530 पे बाय किया, 2589 पे इसने क्लोजिंग दी है, तो इसमें भी हमें लगभग 59 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ है। तो अब अभी भी इसमें बने रहना है, और ये मंडे के लिए भी इसमें रिकमेंडेशन है, कोई भी डिपाय बाय कीजिए ABB को, 2482 का स्टॉप लॉस और टारगेट 2629 और 2670 के रहे। दूसरा जो स्टॉक है वो है HDFC AMC। HDFC AMC ने देखिए, इसने भी डबल बॉटम बना के काफी अच्छी रैली देने वाला है ये, तो 1935 तक कोई भी डिप बाय कीजिए, 1920 का स्टॉप लॉस और टारगेट 1992 और 2010 तक के टारगेट आपको मिल सकते हैं। इसमें भी आप लॉन्ग टर्म में पोजीशन भी ले सकते हैं, अगर कोई लेना चाहे तो। लॉन्ग टर्म में जो इसके टारगेट निकल के आते हैं वो लगभग निकल के आएंगे आपके 2470 तक। तो तीसरा जो स्टॉक है वो है UPL। UPL ने भी डबल बॉटम बनाया है और उसके ऊपर काफी अच्छी रैली देने के लिए अब तैयार हो गया है, तो 675 तक कोई भी डिप बाय कीजिए, 665 का स्टॉप लॉस और ऊपर टारगेट 699, 710, 720, 727 और 744 तक के आपको मिल सकते हैं। तो आइए अब हम आते हैं निफ्टी पर। इंडिया विक्स काफी गिर चुका है अब ये बुल्स के फेवर में, और क्रूड फिर से थोड़ा सा ऊपर आया 107, पर जब तक ये 110 112 के नीचे है तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं है, और बॉन्ड यील्ड फिर से पेन क्रिएट कर सकती है, तो मैंने ये सारा कारण आपको बता दिया है। तो अब थोड़ा सा कॉन्शियस हो जाना है ट्यूसडे वेंसडे के आसपास। अब आता है कि वर्ल्ड मार्केट देखिए फ्लैट ही रही है, कोई ऐसी पैनिक वाली बात नहीं है। निफ्टी जो सिंगापुर निफ्टी है वो 16206 पे लगभग, जहाँ पे हमें क्लोजिंग दी है उसी के आसपास ही है, कोई ऐसी घबराने वाली बात नहीं है। और इधर आ जाते हैं ऑप्शन चेन में, तो ऑप्शन चेन में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्पोर्ट अगर है तो वो 16,000 पे है, क्योंकि सबसे ज़्यादा पुट राइटर भी यहीं पर 44 लाख, और उससे कम है 16200 पर। 16200 पर कॉल राइटर भी काफ़ी ज़्यादा है, सबसे ज्यादा कॉल राइटर 16200 पर ही है। क्यों है? क्योंकि 16200 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बना हुआ है और 16200 क्रॉस नहीं हो पा रहा। 16200 अब का एक रेजिस्टेंस नहीं बना हुआ, लगभग 2 महीने से 16200 पर कॉल राइटर था, तो यही कारण है कि 16200 पर कॉल राइटर अभी भी बना हुआ है। जब तक 16200 के ऊपर हम एक अच्छा ब्रेकआउट नहीं दे देते, जो कि 16220 के ऊपर आना था, अभी पेंडिंग है, 16220 पर ही मार्केट हमारी क्लोज हो गई है, मतलब एक बड़े ही क्रिटिकल पॉइंट पे क्लोज हुई है और काफी स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वो 16220। तो उसके ऊपर अगर इसने अच्छी अब क्लोजिंग भी दे दी 16250, 16260 भी दे दे मंडे को, तब 16200 का कॉल रेटर यहाँ से निकल जाएगा। अभी भी 16200 को एक कॉल रेटर को एक भरोसा सा है कि शायद हमें प्रॉफिट हो जाए। उसके ऊपर अगर 16200 का ब्रेकआउट आ गया तो सीधा जाके 16500 पर आप देखेंगे कि अब 16500 पर कॉल राइटर है, वो है 39,70,000, मतलब लगभग 40 लाख के आसपास। क्यों है 16500 पर? क्योंकि 16480 पर है 100 M। तो आइए निफ्टी पे चलते हैं। तो निफ्टी ने 16220 पर क्लोजिंग दी, नीचे जो है 16150 पर वो क्या है 50 MA, 100 MA अभी अभी मैंने बोला ही है 16480 पर। धीरे धीरे निफ्टी अब कहाँ जा रही है 16480 की ओर, पर ऐसे नहीं जाएगी, बीच में कंसोलिडेट होगी
और इसने दिखा भी दिया कि अब मैं थोड़ा सा यहाँ पे आराम करूँगी। इसने आराम किया है, यहाँ पे सांस ली है, और किसी भी तरह के काफ़ी आलस सा था उसमें देखने को आया, क्योंकि वोलेटिलिटी काफ़ी गिर चुकी है। तो अब बड़ी ठंडे से होकर मार्केट चल रही है, मार्केट काफ़ी ठंडी थी फ्राइडे को, तो धीरे धीरे अब जाएगी। अब इसमें ब्रेकआउट कहाँ आएगा, तेजी कहाँ आएगी, वो आएगी 16,350 के ऊपर, क्योंकि 16,200, 16,300, 16,400, 16,500 पर 30-30, 35-35 लाख कॉल राइटर हैं, जो कि कदम कदम पे थोड़ा सा वो रोक के चलेंगे अब निफ्टी को थोड़ा सा। और कुछ जो बायर है वो भी चाहता है कि थोड़ा सा डिप आए तो मैं बाय करूं, क्योंकि लगातार 2-3 दिन जो गैप अप ओपनिंग्स हुई हैं, उस ये भी वजह है कि जो फ्राइडे को मार्केट काफ़ी ठंडी थी और वहां से एक नई दौड़ नहीं लगी। नई दौड़ तभी लगेगी थोड़ा सा डिप आए, थोड़ा सा आराम आए, और डिप इतना छोटा आया है तो इससे पता चलता है कि निफ्टी की स्ट्रेंथ काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। छोटा सा डिप आया और वो भी अच्छी तरह 50 EMA भी नहीं लगा, फटाफट लोगों ने खरीद लिया, तो इससे पता चलता है कि निफ्टी की स्ट्रेंथ काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। तो हो सकता है मंडे को फिर से एक ठंडी मार्केट हमें देखने मिले, फिर से 16,150 पर तक कोई डिप आए, फिर से ऊपर की ओर 16,275 मिले, तो कोई ये बड़ी बात नहीं होगी। अब नया ब्रेकआउट कहाँ आपको एक नया स्विंग मिलेगा, वो मिलेगा 16,350 के ऊपर, 16,350 की आपके ऊपर आपको एक जबरदस्त ब्रेकआउट देखने को मिलेगा, जो कि इसे लेके जाएगा 16,395, 16,432 और 16,480, 16,480 जो कि इसका 100 EMA है। और इसका जो स्टॉप लॉस लगाना है वो लगाना है आपने फिर 16,275 का। अब हम आते हैं नीचे की ओर कि हमने पुट कहाँ बाय करनी है। देखिए, अगर निफ्टी का 50 EMA टूट भी गया तो नीचे है 20 EMA, जब तक 20 EMA वगैरह ना टूटे तब तक हम इसमें निफ्टी में पुट नहीं ले सकते। तो हमने पुट लेनी है 16,15770 पर, 15,770 के नीचे ही पुट लेनी बनती है। स्टॉप लॉस लगाना है 15,970 का, क्योंकि 15,920 के आसपास सारे 10-20 EMA दोनों इकट्ठे हो गए, तो दोनों EMA जब टूट जाएंगे तभी हमने पुट लेनी है। और स्टॉप लॉस वापस 15,920 का लगा लीजिए या 15,970 का, कोई भी लगा सकते हैं। नीचे 15,770 के नीचे पुट, जो पुट लेनी है वो लेनी है 16,000 की, और टारगेट रहेगा 15,670, 15,450, 15,450 और 15,300 तक के टारगेट आपको मिल। अब सवाल आता है कि अगर 10 EMA 20 EMA पर आए तो क्या करना चाहिए, मार्केट अगर आए तो यहाँ पर बाय करना चाहिए, बिल्कुल मत छोड़ना। अगर कोई डीप आता है तो 15,920 तक कोई भी डीप आए आपने बाय करना है नीचे की ओर, और स्टॉप लॉस नीचे की ओर जो रखना है वो 15,770 का ही रखना है, और ऊपर जो टारगेट आपको वापस ये सारे मिल सकते हैं, ये मैं जूम करके दे देता हूँ और इसको आप नोट कर लीजिए सारे लेवल, 16,050, 16,100, 16,150, 16,217, 16,275, 16,280 तक के टारगेट आपको वापस मिलेंगे अगर कोई डिप बड़ा आए तो। मतलब निफ्टी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, बैंक निफ्टी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, बैंक निफ्टी हालांकि स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के पास है, बैंक निफ्टी में सेलिंग आ सकती है अगर वो अपना 100 EMA तोड़ दिया तो, उसके चांसेस बने हैं, बने हुए हैं। बाकी निफ्टी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, निफ्टी बैंक निफ्टी से इस टाइम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रही है। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि हम उन लोगों को भी फ़ायदा हो सके जो रोज़ रोज़ स्टॉक मार्केट में सिर्फ लॉस ही कमाते हैं, और उनके लिए ये एक जुआ बना हुआ है। एक्चुअली ये जुआ नहीं है, ये एक टेक्निकल टर्म्स है, मैथमेटिकल और टेक्निकल टर्म्स, जिनका सारा मिश्रण होता है स्टॉक मार्केट, स्टॉक मार्केट के चार्ट। अगर उनको पूरा मैथमेटिकल और टेक्निकल स्टडी करके हम ट्रेड करेंगे तब हमें प्रॉफिट ही होता है, और छोटे छोटे स्टॉप लॉस लगाने चाहिए पास पास के, ताकि बड़ा लॉस भी ना हो। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।